हेलो गाइस, ऋषिकेश फूड टूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग अभी एक ऋषिकेश का फूड टूर कर रहे हैं, तो जो जो हम लोग खाएंगे आपको दिखाएंगे। फर्स्ट स्टॉप है हमारा 84 कुटिया या फिर बीटल्स आश्रम। यहाँ पे बीटल्स ने आके अपने टाइम पे मेडिटेशन सीखा था, तो इसका वैसे नाम 84 कुटिया था, पर ये बीटल्स आश्रम के नाम से फेमस हो गया। हम लोग आ गए, घूम लिए, खाने के लिए बैठे, तो एक मंगाया वाटरमेलन जूस और एक मंगाया लेमन सोडा। लेमन सोडा अराउंड 60 रुपीज़ का है और वाटरमेलन जूस 100 रुपीज़ का है। खाने के लिए ज़्यादा वेराइटी नहीं है, मैगी, सैंडविचेस, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही अच्छे वाले ऑप्शन है। ये जो मैंने लेमन सोडा मंगाया और वाटरमेलन जूस मंगाया, ये पीती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा है। वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, और जो अभी अच्छा मौसम हो रहा है ना, उसके साथ ये पीने का मज़ा ही अलग है। और ये वर्धन का वाटरमेलन जूस अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा गर्म है मेरे लेमन सोडा के सामने। तो इसको मिलते हैं 10/10, इसको मिलते हैं 7/10। स्टॉप नंबर 2, फ्रीडम कैफे ऋषिकेश। हमेशा गाइज अपनी बॉटल कैरी करो, प्लास्टिक जितना कम से कम यूज़ हो सके, स्पेशली इन टाउन्स लाइक दीज। हम लोग हमेशा ये प्रेफर करते हैं, हम हमेशा जहाँ भी जाते हैं अपनी बॉटल्स कैरी करते हैं खुद की। ओम फ्रीडम कैफे, ये कैफे है, अंदर क्यूट सी शॉप्स हैं। अब एक प्यारा सा व्यू ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। ये है गाइज ओम फ्रीडम कैफे, आ गए हम फाइनली। और ये है हमारी टेबल, यहाँ हम बैठेंगे बाय द गैंगस। हेलो गाइज, तो सेकेंड स्टॉप है हमारा फ्रीडम कैफे ऋषिकेश। ये कैफे इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो गंगा का व्यू बहुत अच्छा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और सेकेंड बोलते हैं इसका खाना बहुत अच्छा है। अभी हम लोग ने पूछा कि आपका फेमस क्या है, तो इन्होंने एक तो पिज्ज़ा रेकमेंड किया है और लेमनाना रेकमेंड किया है, एक ठंडी सी मिंट की कोल्ड ड्रिंक और एक पिज्ज़ा। और सबसे अच्छी बात है, मैं अभी मेन्यू देख रही थी, पास्ता में आप इसके यॉर्क चीज़ भी ऐड करवा सकते हो ओनली फॉर 50 रुपीज़, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये ऑप्शन। मैं सोच रही हूँ पास्ता भी खा लूँ, क्योंकि पर नहीं भी खाऊँ क्योंकि थर्ड जगह भी जाना है। तो चलो एक बार पहले ये खाते हैं, फिर आपको बताती हूँ हम लोग को कैसा लगा और क्या हम ये रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। व्यू इज 10/10 गाइज, खाना देखते हैं कैसा है। तो हमने इनके रिकमेंडेशन पे मंगाया है फ्रीडम कैफे में, फ्रीडम कैफे स्पेशल फार्म हाउस पिज्जा, जो कि मैं खा के अब आपको बताऊंगी। चीजी तो काफी लग रहा है, 400 रुपीज का पिज्जा है और उसके साथ मंगाया है लेमनाना 140 का है। ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। गुड, अभी जिस हिसाब से ऋषिकेश की गर्मी हो रही है ना, 40 डिग्री में एकदम थर्स्ट मेरी क्वेंच हो जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब खाऊंगी पिज्ज़ा और बताती हूँ कि एक्चुअली गुड है या नहीं है, इज़ इट वर्थ द हाइप और नॉट। इतना ज़्यादा चीज़ी, एकदम क्रस्ट प्रॉपर सिका हुआ है, क्रंची। जो थिन क्रस्ट लवर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो दिस इस पिज्ज़ा को मैं दूंगी 10/10 और लेमनाना को मैं दूंगी 11/10, बहुत अच्छा है। आप यहाँ हो तो आप भी ये ट्राई करो। बहुत ज़्यादा अच्छा है, जितना भी इसके बारे में सुना था, वर्थ द हाइप, बहुत ज़्यादा। अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे ना अपन 100/100, बहुत ज़्यादा अच्छा पिज्ज़ा। और ये व्यू एंजॉय करते करते पिज्जा खाओ। तो थर्ड प्लेस हम आए हैं शिवा मोमो प्लेस। किसको मोमोज नहीं पसंद, और ऋषिकेश के वन ऑफ द बेस्ट मोमोज हैं हमारे पास। फ्रीडम कैफे के जस्ट बाहर ये स्टॉल लगाते हैं, मैं वेज फ्राइड मोमोज खा रही हूँ। 50 रुपीज़ का प्लेट है, मैंने हाफ प्लेट लिया है, खाती हूँ और फिर बताती हूँ कैसे। हाय गाइस, तो फिफ्थ प्लेस है बेकरी और
व्हील्स भैया राम झूले के साइड लगाते हैं और बहुत ही अमेजिंग गरम हॉट नान खटाई बनाते हैं। 10-10 की ईच नान खटाई है। ये ग्राउंड नट, ये सेसमी और ये हॉट चॉकलेट, एक एक ले लिए हम सब ने और ट्राई करती हूँ कि कैसी है। बहुत अच्छी दिख रही है और अगर आप स्मेल कर पाते ना तो ऐसा लगता है जन्नत है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ही कम स्वीटनेस है और बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस। और सबसे अच्छी बात है पाइपिंग हॉट है तो मज़ा आ गया खाने में। ये पक्का ट्राई करना गाड़ी से पेशा हो, बहुत अच्छा। इन बिस्किट्स को 9/10 रेट करी हूँ, चॉकलेट वाले को। एक बार ग्राउंड नट भी खा लो। वेरी गुड। गंगा व्यू कैफे, जो कि लक्ष्मण झूला से जब आप स्ट्रेट आओगे तो थोड़ा दिख जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। अंदर चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं व्हाट दिस प्लेस इज रियली अबाउट। ये इनका नीचे वाला पोर्शन है गाइस, ऊपर था और ये नीचे है। टॉयलेट्स भी बहुत क्लीन है इनके। आई थिंक द बेस्ट कैफे इन ऋषिकेश ये। सो नाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे टू। तो कल त्रिवेणी घाट जाने के बाद इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और जहाँ हम रह रहे हैं वो ऋषिकेश से 45 मिनट दूर है, तो हमने कहा चलो पहले एटलीस्ट चलते हैं वरना बीच में फंस जाएंगे, हिल्स बिल्स के लिए हम जाते ही हो। तो आज है डे टू और आज हम देहरादून के लिए निकलने वाले हैं, पर उससे पहले आई थिंक ऋषिकेश का प्रॉबेबली द बेस्ट मोस्ट इंस्टाग्रामेबल वर्दी कैफे में आए हैं हम, गंगा व्यू कैफे। मैंने फ्लैट वाइट मंगाई है जो कि मेरी आ गई है, पीती हूँ फिर देखती हूँ कि कैसी है और बताती हूँ। अब पी के बताती हूँ गाइस कैसी है। दो दिन से अच्छी कॉफ़ी की इतनी तेज क्रेविंग हो रही है और ऋषिकेश में वो ऑथेंटिक कॉफीज बहुत कम जगह मिलती हैं, तो ये आए हैं आप इसकी बताती हूँ, बहुत ऑथेंटिक तो लग रही है। वेरी गुड, एज स्ट्रॉन्ग एज डार्क एज आई लाइक माई कॉफ़ी। आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप जानते ही हो मैं कितनी बड़ी कॉफ़ी लवर हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। गंगा व्यू कैफे और प्लस द प्राइस इट्स जस्ट फॉर 140 रुपीज़ एंड आई मीन जो मैं पॉइंट्स दूँगी मैं 9/10 दैट ग्रेट, बहुत ज़्यादा अच्छी और प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक। और कोल्ड आप लोग कौन सी टीम हो पहले तो ये बताओ। मैंने अपने लिए मंगाया फ्लैट वाइट, वर्धन ने लिए अपने लिए मंगाया वियतनामीज आइस्ड कॉफ़ी और बोल रहा है एक बार ट्राई करके देखो जन्नत है। तो मैंने सोचा ट्राई कर ही रही हूँ तो आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये है अराउंड 200 रुपीज़ की, इसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल तो आप नहीं कह पाओगे बट फॉर द कॉफ़ी क्वालिटी इन ऋषिकेश ना ये जगह मैं 100 and 100 रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अच्छी कॉफ़ी कम मिलती है ऋषिकेश में। मैं पीती हूँ और आपको बता दूँ। सो वियतनामीज आइस्ड कॉफ़ी का बेस्ट पार्ट द स्पेशलिटी होता है इसका कंडेंस्ड मिल्क, और क्या कंडेंस्ड मिल्क है। द मीठा जो है ना शुगर कंटेंट नॉट टू मच नॉट टू लेस, इट्स जस्ट परफेक्ट। और समर में ना आई थिंक मुझे भी कोल्ड ही मंगानी चाहिए थी, मुझे अब फील हो रही है कि मैं कोल्ड की तरफ ज़्यादा, मतलब वर्धन की कॉफ़ी को मैं 10/10 दूंगी और मेरी कॉफ़ी को 9/10 दूंगी। अच्छी मेरी भी है बट कोल्ड के ज़्यादा मज़े हैं। चीयर्स, तो हम ये पी लेते हैं।
एक हमने शेफ्स रिकमेंडेशन पे मंगाया है पनीर टिक्का सैंडविच। उन्होंने कहा हमारे सैंडविचेस बहुत अच्छे हैं तो आप सैंडविच जरूर ट्राई करो और बर्गर भी अच्छे हैं इनके। हम लोग का सैंडविच का ज़्यादा मन था तो पनीर टिक्का सैंडविच ट्राई कर रही हूँ। द स्टफिंग इज एकदम क्रेजी गुड, बहुत अच्छी लग रही है। फ्राइज खाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उसके साथ फ्रेश मिंट डिप दिया है इन्होंने। हम थोड़े से केचप पर्सन ज़्यादा हैं तो हम केचप लगा ही लेते हैं थोड़ा। खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस है एंड आई थिंक फॉर द क्वालिटी इट्स अ वेरी नाइस प्राइस। सो लेट मी जस्ट ट्राई वन। ये मैंने डिप किया अपना वैनिला आइसक्रीम में और आपको आवाज़ आ रही होगी राफ्टिंग पे, लोग बोल रहे हैं गंगा मैया की जय, तो राफ्टिंग भी चल रही है जस्ट साइड बाई साइड। बनाना सो स्वीट, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ में मिलाया है इसलिए इतना ज़्यादा मीठा है, बट नेचुरली इतना ज़्यादा मीठा है। और चॉकलेट सॉस और नटेला का क्या फील आ रहा है गाइस। और हाँ, ये प्लेस के साथ हम ऋषिकेश फूड टूर एंड भी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आएगा एक और फूड टूर का, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और यूजुअली भी हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो ज़रा ऋषिकेश में कहाँ आना है, वो लोग भी आएँ और हमारे जैसे अच्छा अच्छा खाना खाएँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।